टॉपिक चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड एंड क्रैमर रूल्स। लेकिन आज जो हमारा ज्यादा मेन फोकस है वो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड मेथड है, दैट इज क्रैमर रूल। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल। ओके, अब आप इस इन इक्वेशंस को जरा राइट डाउन करें। आई एम कम क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। आपके पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ओके, अब सोल्यूशन करेंगे। स्टेप 1 इसमें है, सबसे पहले आपने इन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में राइट डाउन करना है। वो कैसे? बहुत ही ईजी है। द कोफिशंट्स ऑफ एक्स जो हैं वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। अब कोफिशंट्स एक्स के क्या हैं? इस इक्वेशन में एक्स का कोफिशंट 2 है और इस इक्वेशन में एक्स का कोफिशंट जो है वो 3 है। तो ये फर्स्ट कॉलम में राइट डाउन कर लेंगे, फिर वाई के कोफिशंट्स राइट डाउन करेंगे। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में वाई का कोफिशंट क्या है? -2, और इसमें y का कोफिशियंट क्या है? 2 है। देन आपके पास जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनको राइट डाउन करेंगे। अब अननोन वेरिएबल्स क्या हैं? x एंड y। एंड देन आपके पास जो इक्वल के बाद कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एज इट इज जैसे सीक्वेंस में है 4 एंड 6 इस तरह राइट डाउन करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? इन इक्वेशंस को कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में राइट डाउन करते हैं, ये सबको समझ में आया या रिपीट करूं? रिपीट कर दो। Yes, ma'am. Okay. आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको दो मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा हुआ है, एक क्रैमर्स रूल और एक इन्वर्जन मेथड। आज हमने सेकंड रूल को ज्यादा फर्स्ट पहले प्रेफर किया कि इसको लर्न करने और इससे हम इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है उसको अंडरस्टैंड करें। अब फर्स्ट पार्ट मैंने इसमें से पिक किया। फर्स्ट पार्ट में आपके पास जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन गिवन है वो है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 और सेकेंड लीनियर इक्वेशन जो आपके पास गिवन है दैट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। जब हम इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस को इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में राइट डाउन करते हैं तो इनका प्रोसीजर ये है कि जो फर्स्ट कॉलम राइट डाउन करते हैं अपनी मेमोरी में से रखना है आप लोगों ने कि फर्स्ट कॉलम जो होता है इसमें x के कोफिशियंट राइट डाउन करते हैं, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशियंट है दैट इज 2 और सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशियंट है दैट इज 3। तो ये एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरह कॉलम में आ जाते हैं। फिर जब सेकंड कॉलम की तरफ मूव करते हैं तो y के कोफिशियंट्स राइट डाउन करते हैं। अब यहाँ आपके पास y का कोफिशियंट क्या है? -2 और इधर आपके पास y का कोफिशियंट क्या है? 2। तो उसे राइट डाउन करते हैं। देन आपके पास जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं x एंड y उन्हें राइट डाउन करते हैं। फिर आपके पास इक्वल के बाद जो टर्म्स होती हैं मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म्स होती हैं आप उन्हें इक्वल के बाद एज इट इज जैसे आपने सिक्वेंस में राइट डाउन किया होता है तो 4 को पहले एंड 6 को बाद में लिख कर इस तरह कॉलम वाइज इन्हें राइट डाउन करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये अब समझ में आया? Yes, ma'am, आ गया। ठीक है, अब इनके नेम देखें क्या रखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का नेम हम इसको कहते हैं ए। ये अननोन्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं तो इनको एक्स एंड देन इस मैट्रिक्स को आप क्या राइट डाउन करते हैं? बी। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में विच इम्प्लाइज दैट ये कुछ इस तरह आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे क्योंकि क्रैमर्स रूल यूज करें तो यहाँ पे आप राइट डाउन करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर रूल। और ये आपने जो मैं रूल लिखवा रही हूँ ये आपने मेमोराइज भी रखना है इसको बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल क्या है, कैसे वो इन इक्वेशंस को सॉल्व करता है? क्रैमर रूल्स में जो अननोन कोफिशिएंट एक्स होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैसे हम निकालते हैं? डिटरमिनेंट जो होता है ए एक्स का, यहाँ सबस्क्रिप्ट में ए एक्स लिख देते हैं और डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए
यानी फुल मैट्रिक्स जो ए होता है उसके डिटरमिनेंट के साथ, और ये नहीं, जैसे सही नजर नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा सही, ठीक है। ये आपके पास जो है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, और ये फार्मूला ही समझ लें उसकी या रिलेशन समझ लें कि क्रैमर रूल्स के लिए अप्लाई किया जाता है एक्स अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने ए एक्स लिखा है, सबस्क्रिप्ट में एक्स डाला है, तो व्हाट डज इट मीन। इस ए मैट्रिक्स तो हमें पता चल गया कि ये जो ए है उसको इस साइड पे राइट डाउन कर लेंगे और उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, बट ए एक्स कौन सा मैट्रिक्स है वो तो यहाँ नजर नहीं आ रहा। तो फिर मैं अभी आपको राइट डाउन करवाऊंगी, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ए एक्स का क्या मतलब है। सिमिलरली वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो आपके पास क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग फार्मूला बनता है, दैट इज ए वाई, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे ए वाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगेन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट डज मीन बाय द डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई, तो आपको पहले ए एक्स और ए वाई को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद इनके डिटरमिनेंट्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो देन आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। बट आपके माइंड में जो क्रैमर्स रूल के लिए फार्मूला होना चाहिए वो ये है कि एक्स के लिए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, एंड वाई के लिए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब हम यहाँ तक अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो फिर मैं इसको इस साइड से रेस करके तो ए एक्स और ए वाई जो वैल्यूज हैं वो निकालना आपको बताती हूँ, या फिर इस साइड पे क्योंकि स्पेस है मैं इधर करवा देती हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा स्टूडेंट्स ये इधर देखें, सबसे पहले एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स था, तो मैं देखिए मैं लिख रही हूँ ए एक्स, तो ज़रा देखिएगा कैसे उसे राइट डाउन करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए था, ए तो हमारे सामने ही है उसको तो राइट डाउन कर देते हैं। ए मैट्रिक्स की क्या क्या वैल्यूज हैं, 2, 3, -2 एंड 2। अब आपके पास आ जाता है न्यूमरेटर ए एक्स की बात, तो ए एक्स की वैल्यूज कैसे राइट डाउन करेंगे, तो जरा आप इस इक्वेशन में देखें। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट में किसके कोफिशियंट राइट डाउन किए थे, फर्स्ट कॉलम में आपको याद होगा हमने यहाँ पे एक्स के कोफिशियंट राइट डाउन किए थे, और सेकेंड कॉलम में आपने किसके कोफिशियंट राइट डाउन किए थे, वाई के। तो स्टूडेंट्स जब हम ए एक्स मैट्रिक्स राइट डाउन करते हैं तो ए एक्स मैट्रिक्स में जो एक्स के कोफिशियंट होते हैं उनको इलिमिनेट करते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं, और उसके प्लेस में हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, जो इक्वल के बाद टर्म्स थी, जो मैट्रिक्स बी की टर्म्स थी, उनको ए एक्स में एक्स के कोफिशियंट्स की जगह राइट डाउन कर लेते हैं। लाइक इस क्वेश्चन में जब आप एक्स की टर्म्स को ए एक्स में से रिमूव कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्स कोफिशियंट्स की जगह आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म्स आ जाएंगी 4 एंड 6, और y की वैल्यूज जो थी y कोफिशियंट्स की वो एज इट इज आ जाएंगी। तो ये टर्म आपके पास ए एक्स मैट्रिक्स कुछ इस तरह बनता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि ए एक्स कैसे राइट डाउन करते हैं, एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ, ठीक है कर देती हूँ। जब मैट्रिक्स ए एक्स राइट डाउन करते हैं ए में, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, वो आपके पास ऑब्वियसली डायरेक्टली गिवन है, वो आपने ए को राइट डाउन कर दिया। बात आती है ए एक्स मैट्रिक्स की, तो जब हम ए एक्स मैट्रिक्स राइट डाउन करते हैं तो जो ए में जो मैट्रिक्स ए होता है उसमें जहाँ पे एक्स की वैल्यूज होती हैं, एक्स कोफिशियंट की एक्स जो वेरिएबल होता है उसके कोफिशियंट्स मौजूद होते हैं, उनको आप रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बाय द वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स बी। मीन्स आप 4 और 6 को इस प्लेस पे ले आते हैं और इसको ए एक्स में से रिमूव कर देते हैं, बाकी जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज इसी तरह आ जाता है, ठीक है। अब समझ में आ गई आपको, इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस मैम, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो क्या कहते हैं उसे, डिटरमिनेंट्स लेते हैं जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होता है। 4 2 8, फिर माइनस का साइन, 6 2 12, तो ये -12 आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 2 2 4, माइनस का साइन, देन 3 2 -6, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो 8 में 12 प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 20, और इसी तरह माइनस माइनस प्लस, तो 6 पर 4 प्लस किए तो 10, और 10 2 20 हो जाता है, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब वाई की तरफ मूव करते हैं। अब वाई फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला पता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि ए वाई हम कैसे राइट डाउन करेंगे। ऑब्वियसली जब हम ए एक्स राइट डाउन करते थे तो एक्स की वैल्यूज रिप्लेस कर देते थे कॉन्स्टेंट टर्म से, तो जब ए वाई की वैल्यूज राइट डाउन करेंगे तो y के जो कोफिशियंट्स थे उनको रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स b की वैल्यूज के साथ, बाकी मैट्रिक्स तो एज इट इज आ जाएगा।
मीन्स बाकी मैट्रिक्स में तो टू और थ्री है फर्स्ट कॉलम में, और ये वाई के कोफिशिएंट थे, इसको रिप्लेस कर दिया हमने ए वाई में. जब हम ए वाई मैट्रिक्स राइट डाउन करेंगे तो वाई के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे कॉन्स्टेंट टर्म्स के साथ, और कॉन्स्टेंट टर्म इस केस में मौजूद है फोर एंड सिक्स. और डिनोमिनेटर में तो आपके पास ए का डिटर्मिनेंट ही है, तो ए आपके पास वही है, दैट इज टू थ्री माइनस टू एंड टू. अब आप इसके डिटर्मिनेंट लें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो सिक्स टू आर 12, इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस का साइन, फोर थ्री आर 12, टू टू आर 4 इसके साथ, ठीक है, एंड थ्री टू आर 6, तो ये माइनस 6 आ जाएगा. 12 में से 12 माइनस किए तो आपके पास 0 आ जाता है, और 0 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस एंड 6 प्लस 4 10 हो जाता है, और 0 से तो कोई भी चीज डिवाइड करें तो आपके पास 0 ही आ जाती है. इट्स मीन x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई. तो ये आपके पास जो है क्रैमर रूल है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? या एक तो क्रैमर रूल रिपीट कर दूं? शाहजान आज आप नहीं बोल रहे, क्लियर हो गया या कैन आई रिपीट? अली आपको क्लियर हो गया या रिपीट करूं इस क्वेश्चन को? हो गया क्लियर, ठीक है, ओके. तो नोट डाउन कर ले, ये आपके पास इस क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं, तो 8 के 8 पार्ट्स जो हैं वो इसी प्रोसीजर से होते हैं. मैं इसमें से एक और पार्ट करवाऊंगी, दैट इज पार्ट नंबर 8, और बाकी जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, वो आप लोगों ने खुद कर लें, ठीक है. ये नोट डाउन करके मुझे बताएं यस बोल दें ताकि मैं आगे कंटिन्यू करवा देती हूँ. दैट इज पहले पार्ट नंबर 5 करवा देती हूँ, देन पार्ट नंबर 8, ठीक है. पार्ट नंबर 5 इज पार्ट नंबर 5 इज 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, एंड सेकेंड इक्वेशन इज माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7. ओके, सॉल्यूशन करते हैं इसका. सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने इस इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में राइट डाउन करना है. तो सबसे पहला जो कॉलम होता है फर्स्ट कॉलम, उसमें आप राइट डाउन करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, एंड द सेकेंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है दैट इज -6. सिमिलरली सेकेंड कॉलम में आप कोफिशिएंट ऑफ वाई राइट डाउन करते हैं, तो फर्स्ट में आपके पास -2 है और सेकेंड में आपके पास क्या है 4 है. देन अननोन आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनका मैट्रिक्स राइट डाउन किया, दैट इज एक्स एंड वाई, और उसके बाद जो कॉन्स्टेंट टर्म्स थी उसका मैट्रिक्स राइट डाउन कर दिया, दैट इज 4 एंड 7, ठीक है. अब आपने ओबियसली आपको पता है इसको आप मैट्रिक्स ए कहते हैं, इसको अननोन का होता है तो कैपिटल एक्स के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मैट्रिक्स बी राइट डाउन करते हैं. नाउ बाय यूजिंग क्रैमर रूल Now by using Cramer's rule के according आपके पास जो है x आपके पास होता है determinant of ax divided by determinant of a, and y आपके पास होता है determinant of a y divided by determinant of a, ठीक है students. अब हम सबसे पहले x की value find out करेंगे, तो x is equals to ax होता है determinant of ax. तो इस case में आपके पास जो determinant of ax बन रहा है वो क्या बन रहा है? ए एक्स में एक्स के कोफिशिएंट राइट डाउन नहीं करते, एक्स के कोफिशिएंट्स ये हैं, ये राइट डाउन नहीं करेंगे, इसकी जगह कांस्टेंट टर्म्स दैट इज 4 एंड 7, और जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज आ जाएगा, दैट इज -2 एंड 4. इसी तरह सेकंड ए मैट्रिक्स तो आपके पास आ जाएगा 3 -6 -2 एंड 4. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इस साइड पे कर देते हैं नीचे, 4 4s are 16
एंड सेवन टूज आर माइनस का साइन और सेवन टूज आर माइनस 14, फोर थ्री आर 12 माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस एंड सिक्स टूज आर 12. आपके पास डिनोमिनेटर जो है मैट्रिक्स ए का आंसर जीरो आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, फिट ही आ गया. बट आपने एक बात पढ़ी थी कि इफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू जीरो, अगर डिटरमिनेंट ए जीरो हो जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और उसका तो आपके पास इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें बट ए इज इक्वल्स टू जीरो है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो. सो आपके पास जो है एक्स और सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, बस ये सिंपल सी वर्डिंग लिखे. बट ए इज इक्वल्स टू जीरो, हिंस इस क्वेश्चन में तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, हिंस सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. क्योंकि क्या आंसर आ गया? डिटरमिनेंट ए का आंसर जो है वो जीरो आ गया. वो डिटरमिनेंट ए एक्स में भी होगा, वो डिटरमिनेंट ए वाई में भी होगा, तो दोनों में जब डिनोमिनेटर जीरो होंगे तो आप कैलकुलेटर में भी अगर लिखे ना 30 डिवाइडेड बाई 0 तो आपका कैलकुलेटर भी ना एरर देता है. इसका मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में जीरो अगर किसी चीज़ के डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, अभी तक उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. तो आप यहाँ राइट डाउन कर लेंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो हेंस सोल्यूशन सेट इज, इस तरह राइट डाउन कर लें तो ये आपके पास पता चल जाता है कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसमें तो सॉल्व करने वाला था ही नहीं बिकॉज इसमें तो डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. लेकिन आपको ये तो समझ आ गया ना कि एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज कैसे राइट डाउन कर देते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. ओके, अब मैं इसका एक पार्ट नंबर 8 करवाऊंगी, आप ये नोट डाउन कर लें और फिर मुझे बताएं. मैम कर लिया. ओके, पार्ट नंबर 8 इज3x minus 4y is equals to 4 and x plus 2y is equals to 8. Okay, first step आप सबको पता है. सबसे पहले क्या राइट डाउन करेंगे? इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट डाउन करेंगे. तो इसमें x का कोफिशिएंट 3 है और नीचे इक्वेशन जो है उसमें x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो इट्स भी 1 है. सेकंड कॉलम में आप y के कोफिशिएंट्स राइट डाउन करेंगे तो इसमें x का y का कोफिशिएंट -4 है और इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? 2 है. देन अननोन मैट्रिक्स अननोन वैल्यूज का दैट इज x एंड y और उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स जो हैं दैट इज 4 एंड 8. इस मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्स से एंड इसको ए से. नाउ बाय यूजिंग क्रैमर रूल दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए and y is equals to determinant of a y divided by determinant of a. okay, ab sabse pehle x ki value find out karte hain. x is equals to determinant of a x divided by determinant of a. a aapke paas hai 3 minus 4 1 and 2. okay, ab jab determinant of a x write down karenge to obviously ye x ki terms nahi write down karenge, उसकी जगह आपके पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं दैट इज 4 एंड 8 वो राइट डाउन करेंगे और सेकंड कॉलम की जो वैल्यूज हैं वो एज इट इज आ जाएंगी दैट इज -4 एंड 2. अब ऑब्वियसली डिटरमिनेंट लेंगे, आप सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 टू आर 8 देन माइनस का साइन, 8 फोर आर 32 और ये माइनस है तो -32, फिर 3 टू आर 6 माइनस का साइन, 1 फोर आर -4. तो 8 प्लस 32 करें तो आपके पास क्या आ जाता है? 40 आ जाता है. तो x इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो 10 आ जाएगा. तो 10 4 से 40
आपके पास x की जो वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 4 आ गया। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए y डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, a आपके पास है 3 1 माइनस 4 एंड 2। और जब ए वाई राइट डाउन करेंगे तो ये वाई के कोफिशियंट्स थे, ये राइट डाउन नहीं करेंगे, इसकी जगह आपके पास कॉन्स्टेंट आ जाएंगे, बाकी टर्म्स जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम वो एज इट इज आ जाएगा, वाई कॉलम जो था वाई कोफिशियंट्स का कॉलम वो रिप्लेस हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म्स के साथ जब हम ए वाई फाइंड आउट करेंगे। तो 8, अब इसमें डिटरमिनेंट लेंगे, डिटरमिनेंट में उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 24 और 1 4 जा 4, 3 2 जा 6 माइनस का साइन, 1 4 जा 4 तो माइनस 4 था तो इसलिए माइनस 4 आ गया। 24 में से 4 माइनस किए यू गेट 20 एंड माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 10, 10 2 जा 20 तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। हिंस आपके पास सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 2, ये आपके पास फाइनल आंसर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? ये आप क्लियर हो गया, ये रिपीट करो, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके ठीक है, इसे नोट डाउन करें और आज की आपके होम असाइनमेंट भी यही है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी डायरी सेंड कर दूंगी और पोर्टल पे भी, कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं 8 पार्ट्स हैं ये आपके होमवर्क भी है और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो मैंने नहीं करवाए वो आपकी प्रैक्टिस भी है। ठीक है, तो नोट डाउन करें और उसके बाद मुझे बताएं, सिर्फ आज ग्रामर रूल सीखेंगे और वो भी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स के।